हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। ये है आपका हिडन बाइक का रहते। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मैं अपनी डिजायर को, अपनी गाड़ी को कैसे मेंटेन करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको कोल्ड स्टार्ट के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, कोल्ड स्टार्ट करना हमारी गाड़ी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारी गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है ना, जब हम अपनी गाड़ी को बहुत टाइम तक खड़ा करते हैं या फिर 3 या 4 घंटे से ज्यादा खड़ी करते हैं, तो जो हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल होता है वो नीचे के हिस्से में ऐसे खट्टा हो जाता है। थोड़ी देर जब हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके रखते हैं ना, तो जो इंजन ऑयल होता है वो पूरी गाड़ी के पिस्टन्स में फैल जाता है, जो हमारी गाड़ी की लाइफ के लिए अच्छा होता है। हम इन टेक्निक्स को दोस्तों अपनाएंगे तो हमारी गाड़ी की इंजन की लाइफ बढ़ सकती है, हमारी गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों, जिस तरीके से मैं अपनी गाड़ी को मेंटेन करता हूँ, अपनी गाड़ी को सही गियर पे चलाना। ये कोई स्पोर्ट्स कार तो है नहीं, इसलिए अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी गाड़ी को आप बिल्कुल सही गियर पे रख के चलाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं कि दूसरे गियर पे ही अपनी गाड़ी को उठा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे गियर के ऊपर ही अपनी गाड़ी को 60 या 70 की स्पीड पे पुश कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना, जो गियर रेशियो जिस हिसाब से बनाए उसी के हिसाब से गाड़ी की स्पीड को रखो, वो आपकी गाड़ी की इंजन लाइफ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी लॉन्ग टर्म में, जब हमारी गाड़ी थोड़ी सी बूढ़ी होने लग जाती है, पुरानी होने लग जाती है, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। फिर लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही। गाइज, गाड़ी के लिए इंजन ऑयल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंजन ऑयल क्योंकि दोस्तों जो इंजन की गाड़ी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो इंजन ऑयल की वजह से घिसते नहीं हैं आपस में। अगर इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर की वजह से वन आउट हो चुका है, तो उससे जो इंजन के पार्ट्स हैं वो आपस में घिसने लग जाएंगे, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी गाड़ी का इंजन डैमेज भी हो सकता है, वर्स्ट केस में इंजन सीज भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करें, टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करें। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे कंपनी रिकमेंड करती है कि 8,000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल चेंज करें, अब वो मेरी ये आदत है कि जैसे मेरा कोई फ्रेंड आ गया, उससे बात कर रहा हूँ मैं, या फिर कॉल पे किसी से बात कर रहा हूँ, या फिर दोस्तों मैं अभी जैसे गर्मियों का टाइम है तो गर्मियों में मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखता हूँ, इंजन चलता रहता है, गाड़ी के किलोमीटर्स नहीं चल रहे पर इंजन तो चल रहा है ना। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर गाड़ी की सर्विस दोस्तों अगर 8,000 किलोमीटर पे होनी है, तो आप उसको 7.5 या फिर 7,000 किलोमीटर पे करवा लो, क्योंकि थोड़ी बहुत गाड़ी नॉर्मली चलती है, खड़े खड़े में गाड़ी का इंजन चल रहा है। अब हम आते हैं हमारी लास्ट एंड फोर्थ बात पे, अपनी गाड़ी के टायर्स में नाइट्रोजन डलवा के रखना। मैंने जब से दोस्तों आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे को 1 साल होने वाला है गाड़ी को लिए, तब से मैंने गाड़ी के टायर्स के अंदर हवा नहीं डलवाई, हमेशा इसके अंदर नाइट्रोजन डलवा के रखी है और हमेशा सही टायर प्रेशर मेंटेन करके रखा है। उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, वो आप जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर जरूर मिल जाएगा। गाइज, अभी तो मैंने इस वीडियो में बात करी है गाड़ी के इंजन के बारे में कि अपनी गाड़ी के इंजन को अच्छे से कैसे मेंटेन करें। अब हम अगले वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि गाड़ी की जो बॉडी है, गाड़ी की लुक्स है, उसको कैसे मेंटेन करके रखें।